अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि कल हमने फिर से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। तो हमने जो पहली पोएम है, एनिशनल स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत, एक कौम कैसे मजबूत बनता है, वो पोएम स्टार्ट की थी ऑन पेज नंबर 49। एनिशनल स्ट्रेंथ पोएम लिखी है आर डब्ल्यू इमर्सन ने, रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने। तो पहले दो स्टेंजाज हमने पढ़े थे, तो आज हम तीसरा, ये जो स्टेंजा है इस पे थोड़ी बहुत नजर देंगे। सो लेट स्टार्ट। तो पहले मैं आपको रिमाइंड करूंगा ये चीज कि कल तक हमने ये देखा कि ये जो आर डब्ल्यू इमर्सन है, ये वो एक क्वेश्चन के अंदाज में हमें बताता है कि एक कौम कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है, कैसे इतना ताकतवर बनता है कि वो दुश्मनों से मुकाबला कर सके। तो फिर बोलता है कि गोल्ड से नहीं बनता है, किंगडम से नहीं बनता है, जो कौम इन चीज़ों पे भरोसा रखती है उसकी बुनियाद सिकिंग सैंड पे होती है, ना कि अबाइडिंग रॉक, एक मजबूत यानी बेस पे उसकी बुनियाद नहीं होती है। फिर से वो क्वेश्चन के अंदाज में बोलता है, इज इट दिस वर्ड, क्या ये तलवार है, क्या ये तलवार है, इज इट दिस वर्ड मीन्स क्या तलवार के बलबूते पे एक कौम को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आस्क द रेड डस्ट, आस्क द रेड डस्ट मीन्स कि आप उन जंगी मैदानों से पूछो जो जिसकी डस्ट जो रेड हो गई, लाल हो गई खून से, जंगों से। ऑफ एम्पायर्स पास्ट अवे, बड़ी बड़ी सल्तनतें जो पास हुई है, जो मर गए हैं, गुजरे हुए हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें इस दुनिया में आई और उनके खून से जमीन लाल हो गई। द ब्लड हैज टर्न देयर स्टोन्स टू रस्ट, उनकी उनकी जो स्टोन्स है, उनकी कब्र जो है उन पे भी रस्ट चढ़ गया है, यानी उनका नामो निशान नहीं है। देयर ग्लोरी टू डिके, उनकी सारी शान शानो शौकत सब तबाह बर्बाद खत्म हो गया है। फिर एंड इज इट प्राइड, क्या ये प्राइड है, घमंड है, गुरूर है, शान शौकत है। आह दैट प्राइड क्राउन हैज सीम्ड टू नेशन स्वीट, बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लॉस्टर डाउन इन एश एट हिज फीट। फिर बोलता है, इज इट द प्राइड दैट मेक्स ए नेशन स्ट्रॉन्ग, क्या प्राइड की वजह से एक मुल्क, एक कौम स्ट्रॉन्ग बनता है। ओ दैट ब्राइट क्राउन, वो चमकता हुआ ताज जो कौमों को बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत अजमत वाला लगता था, घमंड था उनको अपने ताज, तख्तो ताज पे। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, द गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन, इसको अल्लाह ने इन एश जेड, इसको राख के ढेर में तब्दील किया, एट हिज फीट, अपने कदमों में उसको यानी बेबुनियाद कर डाला, तबाह तो तबाह हुआ, बर्बाद कर डाला। ठीक है, तो उसके बाद नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, फिर से बोलता है, नहीं ये सोना नहीं है, ये स्वर्ण नहीं है, गोल्ड नहीं है, न किंगडम्स है, प्राइड नहीं है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, सिर्फ एक ऐसे इंडिविजुअल्स, एक मुल्क के ऐसे अफराद, एम पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रोंग, कौन लोग बनाते हैं, बना सकते हैं ग्रेट एंड स्ट्रोंग अपनी कौम को। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, जो सच्चाई और इज्जत के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, जो हिम्मत दिखाते हैं, अज़ियतें बर्दाश्त करते हैं, अज़ियतें बर्दाश्त करते हैं और फिर क्या करते हैं, एंड ब्रेव मैन, वो बहादुर इंसान अपनी कौम को
बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। ब्रेमेन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, जब दूसरे लोग सोए हुए होते हैं ये अपने मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए सोचते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, वो तब हिम्मत दिखाते हैं जब दूसरे लोग भागते चले जाते हैं। दे बिल्ड ए नेशनल पिलर डीप, यही लोग ऐसे ऐसे ब्रेव, ऐसे कोरेजस, ऐसे डिटरमाइंड, ऐसे ही हिम्मत हौसले वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, यही एक मुल्क को बनाते हैं, कौम को बनाते हैं, उसके पिलर्स डीप मजबूत बनाते हैं। लिफ्ट देम टू दिस को उसको आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, होप यू अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।